हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखकर सिखाते रहो। तो मैं आपके साथ बरखा। आज मेरे पास है बीए प्रोग्राम फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, जो हिस्ट्री आपने डिसिप्लिन में चूज करी थी उसका ये क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेम का। तो बेसिकली इसमें यही दे रखा है क्या, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ये नोट में, देन इसके बाद इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस के मार्क्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का परीक्षण कीजिए। वहीं पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है भारत की पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन से संबंधित विभिन्न मतों की चर्चा कीजिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है भारत की महापाषाण संस्कृतियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। हमारा सिक्स क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6 शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखिए। हमारा एट्थ क्वेश्चन है ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का पुनरीक्षण कीजिए। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है सातवाहन राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, जिसमें से किसी दो पे करना होता है और 4 हमारे ऑप्शन में देते हैं, यानी 2 हमारे ऑप्शन में थे जो 2 और 2 4। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है हड़प्पाई धर्म, सेकंड है महाजनपद, थर्ड है संगम साहित्य और ख है यानी फोर्थ कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्क। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो चुका है। तो यही है तो क्वेश्चन पेपर। और मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।